राजपुर, यहाँ पे एक जब ट्रेन चलने को थी तो एक एक्सप्लोजन हुआ है टॉयलेट में। जब उसकी तफ्तीश की गई है, यहाँ पे सारी टीम्स आ चुकी हैं, जब तफ्तीश किया गया तो अभी तक हम लोग क्लियर नहीं है वहाँ एक्चुअली किस तरह का एक्सप्लोजन था, पटाखा था या कोई वैसी कोई स्मेल नहीं है। प्रथम दृष्टि हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या। इसके लिए इसकी पूरी फॉरेंसिक जाँच होगी, ये ट्रेन टुंडला में पूरी फॉरेंसिकली जाँच की जाएगी। इसलिए साथ में और भी जो भी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज हैं, जीआरपी थाना पुलिस और साथ में एटीएस की टीम भी हम इस केस को देखेंगी। इसको सारे जितने भी पहलू हैं तो सारे पहलुओं पर इनकी जांच की जाएगी। कानपुर से भिवानी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस में आज धमाका हो गया। धमाके की सूचना पर शहर भर के सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर जांच में ये पता चला कि धमाका ज़्यादा तीव्र गति का नहीं था और जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसको आतंकी साजिश माना जा रहा है क्योंकि जैश ए मोहम्मद का एक पद प्राप्त हुआ है, जिसके बाद से एटीएस की टीम इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि यहां से अभी ट्रेन रवाना हो चुकी है, लेकिन एटीएस की टीम ने बोगी को अपने कब्जे में कर रखा है और टुंडला जाकर उसकी जाँच की जाएगी। मैं अखंड प्रताप सिंह, ईटीवी भारत, कानपुर।